मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स. सो इम्पॉर्टेंट है बट ईजी भी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मोनोमर्स क्या है. मोनोमर्स की डेफिनेशन मैंने आपको दी है. दीज आर रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स डिराइव फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स. देर सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो सिंपल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल से लिए गए हैं. सिंपल और इनका क्या नाम है, मोनोमर्स, मोनोमर्स. सो दे आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट. पॉलीमर्स. अब पॉलीमर्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर का जो भी कॉम्बिनेशन है उसको पॉलीमर कहते हैं. अब मैं आपको कुछ पॉलीमर के एग्जाम्पल्स यहाँ दे रही हूँ, जैसे सेलुलोज, प्रोटीन एक्सेट्रा. सिंथेटिक पॉलीमर, यू नो व्हाट इज सिंथेटिक, मैन मेड. जैसे सिंथेटिक फाइबर्स आपने सुने होंगे, वैसे ही सिंथेटिक पॉलीमर. सो मैन मेड पॉलीमर. ओके, तो मैन मेड पॉलीमर्स क्या है, दे आर नाइलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीएथीन एंड पॉलीप्रोपीन. पॉलीप्रोपीन को हम प्लास्टिक कहते हैं एज अ सिंपल वर्ड, यू नो प्लास्टिक. यहाँ पे केवज देख सकते हैं एंड यू नो इट्स अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड इट. मोनोमर्स जब पॉलीमर से बनते हैं तो वो जो प्रोसेस आप देख रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहा है वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन. ओके, एंड आई वुड रियली रियली लाइक अगर आप इसको लिख रहे हैं, क्योंकि मोस्ट टाइम्स यू नो पॉलीमराइजेशन, पॉलीएथीन, पॉलीप्रोपीन, वी ऑलवेज डू मिस्टेक्स इन राइटिंग दीज नेम्स. ओके, सो अगर आप इसको लिख रहे हैं तो आप इसकी नोट्स बनाइए, क्योंकि यही आपके लिए काम आएगा और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी इन सब शब्दों में. ठीक है, सो दीज वर पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स. होप यू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन केमिस्ट्री. या मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फॉर पॉलीमराइजेशन. तो यहाँ देख सकते हैं सेलुलोज इज अ पॉलीमर, और ग्लूकोज की रेपिटेशन से सेलुलोज कॉटन बनता है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ग्लूकोज, ग्लूकोज की रेपिटेशन से सेलुलोज, और सेलुलोज की रेपिटेशन से हमने बनाया कॉटन. ओके, सो ये एक मोनोमर रिपीट होके एक पूरा पॉलीमर बनाता है विच इज कॉटन. ओके, सो दिस वॉज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल विच यू कैन स्टेट, कि अगर आपसे कोई पूछे कि गिव मी एग्जाम्पल पॉलीमर, मोनोमर और पॉलीमराइजेशन, तो यू कैन जस्ट गिव दिस एग्जाम्पल. ना हम कुछ रेफरेंस पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है, जो आपको और बेनिफिट करेंगी ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने में. जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर एंड पॉलीमर आपको जैसे देख सकते हैं, यहाँ ये ब्लैक जो आउटलाइंड है ना, दिस इज मोनोमर, बिकॉज मोनोमर इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, बट पॉलीमर इतने सारे मोनोमर्स को मिला के ये एक इतनी बड़ी जो आप चेन देख रहे हो ये पॉलीमर है. या नीचे ही लिखा है, अ पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ रिपीटेड पैटर्न ऑफ मोनोमर्स. अब देखो इन्होंने यहाँ भी कितने सिंपली एक्सप्लेन किया है इन दी सेकेंड पिक्चर. यहाँ आप देख सकते हैं लेगो और बिल्डिंग ब्लॉक्स आपने देखे होंगे, है ना, तो यहाँ इन्होंने ये जो नॉर्मल लेगो ब्लॉक्स हैं इसको एज अ मोनोमर लिया. और जब हमने ऐसे तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स या लेगोस को एकदम इसकी चेन बनाई है या इसको स्टैक किया एक दूसरे के ऊपर, तो इसको हमने पॉलीमर ऑफ थ्री मोनोमर्स बोल दिया. अब ऐसे हमने फाइव पॉलीमर्स स्टैक किए हैं, फाइव मोनोमर्स स्टैक किए हैं, तो ये एक क्या बन जाएगा, पॉलीमर. ओके, सो दीज आर टू डिफरेंस पिक्चर्स. अगर आप कहें तो आप इसको लिख सकते हैं एंड बेसिकली दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ईजिली. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो. एंड या प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन एंड वी विल बी बैक विद मोर इन्फॉर्मेटिव एंड फन वीडियोज़. टिल देन, बाय बाय.